1% भी नहीं लग रहा है कि बीजेपी या कांग्रेस दम लगाएगी। दिल्ली की जनता 70 में से 70 सीटें देने जा रही है। जस्ट न्यूज के सभी दर्शकों को ढेर सारा प्यार और ढेर सारा सलाम। दोस्तों, इस वक्त हम पालिका बाजार दिल्ली में हैं और आपको कुछ खास लोगों से मिलवाना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग पालिका बाजार का आज अट्रैक्शन पॉइंट बने हुए हैं। लोग दूर दूर से इन्हें देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई गाड़ी यहाँ से गुजरती है, जब भी कोई स्टूडेंट्स या लोग यहाँ से गुजरते हैं, तो ये इन्हें नमस्ते कहते हैं और कहते हैं कि इस बार का वोट अपने केजरीवाल जी को ही देना। ये बताइए कि मैं आपको बहुत देर से देख रहा था यहाँ पे, आप जितने लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रास्ता है और इधर से हम पार्लियामेंट की तरफ जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ से लोग जब गुजरते हैं। तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को जब आप केजरीवाल को वोट देने के लिए कह रहे हैं? तो इस बार जनता अपना पूरा मन बना रखी है, दिल्ली की जनता ने, और दिल्ली की जनता उन सारे कामों के ऊपर इस बार वोट करने जा रही है। बिजली आज देश दिल्ली की जनता को जो मूलभूत आवश्यकता है, ज़रूरत चाहिए, सरकारी सुविधाएं चाहिए, वो उनको पर्याप्त मिल रही है। सरकार से जो उम्मीदें लगा रखते हैं जनता, वो सारी उम्मीदों पे इस बार दिल्ली की सरकार खरी उतरी है। जिस तरह से बिजली के बिल, पानी के बिल, जिस तरह से CCTV कैमरे, मोहल्ला क्लिनिक, बस फ्री बस, महिलाओं की सेवा, जिस तरह से ये शहीदों के अनुदान राशि, वृद्धों के लिए यात्रा, जिस तरह से ये इन्होंने योजना बनाई है, उन सारी योजनाओं को दिल्ली की जनता पसंद करती है। इस बार जनता पूरा मन बना रखी है और दिल्ली की जनता 70 में से 70 सीटें देने जा रही है, क्योंकि सारी पार्टियों ने, कई पार्टियों ने जो बयान दिए हैं, जिस तरह से आतंकवादी तक बोला है, उनके बयान के खिलाफ इस बार दिल्ली जनता उन वोटों से इन पार्टियों को फाड़ डालेगी। आज जनता, पूरे देश की जनता, दिल्ली सरकार, दिल्ली के चुनाव पे निगाहें रखी हुई है। पूरी दुनिया के लोग इस दिल्ली चुनाव पे निगाहें रखे हुए हैं। हिंदुस्तान की समस्त पार्टियां अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने में दिल्ली की गलियों में घूम रही है। देश का गृह मंत्री पैम्पलेट बांटते नजर आ रहा है। देश के 11 मुख्यमंत्री रोड पे वोट मांगते नजर आ रहे हैं। देश के 200 मंत्री यहाँ पर गली गली में जनता से अपील कर रहे हैं। यहाँ का देश का सबसे, हमारा देश के प्रधानमंत्री जो 3 सीटों को बचाने के लिए आज 3 रैलियां तक करनी पड़ रही है, यह है जनता की। के इंटरव्यू करने का मकसद यही था कि जब लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, देखिए एक नवयुवक है हमारे साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं, दिखा सकते हैं, ये अट्रैक्शन पॉइंट लग रहा है आपको कि आपसे मुखातिब हो रहे हैं और लोगों से बता रहे हैं कि केजरीवाल जी को वोट कीजिए? लेकिन ये बताइए, आप प्रचारक लग रहे हैं, पैसे कितने मिले हैं आपको यहाँ पे प्रचार करने के लिए? देखिए, मैं पाली राजस्थान से सोजत विधानसभा से आया हूँ, सिर्फ एक ईमानदार व्यक्ति के लिए, सिर्फ एक विद्वानदार व्यक्ति के लिए। लेकिन संदेश ये मिल रहा है कि आएगा सिर्फ केजरीवाल, आएगा केजरीवाल, केजरीवाल, केजरीवाल। वो क्यों आएगा? स्वास्थ्य के लिए क्यों आएगा? शिक्षा के लिए क्यों आएगा? एक फौजी भाई के लिए क्यों आएगा? एक आम आदमी पार्टी के लिए। यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो सवाल ज़रूर करेंगे कि आपको कितने पैसे मिले उनका प्रचार और प्रसार करने के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं पालीवाल राजस्थान से आया हूँ, केजरीवाल एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक दिल्ली के CM हैं, तो उनके लिए अपना समर्थन जुगाड़ करने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या लग रहा है कि आपको सरकार जीत पाएगी या फिर बीजेपी आएगी दिल्ली में? 1% भी नहीं लग रहा है कि बीजेपी या कांग्रेस दम लगाएगी। सिर्फ आम आदमी यही चाहता है कि सिर्फ चाहेंगी तो आम आदमी पार्टी आएगी, एंड ईमानदार व्यक्ति वही है जो केजरीवाल। जब यहाँ से गुजर रहे हैं तो बोले कि केजरीवाल को वोट देंगे, उम्मीद करता हूँ कि केजरीवाल जरूर जीत करके दिल्ली की विधानसभा में अपना झंडा लहराएंगे।